हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताने वाला हूं कंक्रीट कितने दिन में कितनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आज आपकी घर की स्लैब या कॉलम कास्ट हुए हैं। अब आपको पता लगाना है कितने दिन में कितनी स्ट्रेंथ गेन करेगी कंक्रीट आपकी कॉलम की। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है एक दिन में कंक्रीट कितना स्ट्रेंथ गेन करती है, 16%। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं तीन दिन में कितना कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करेगी। तीन दिन में आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करती है 40%। सेवन डेज में कितना स्ट्रेंथ करेगी कंक्रीट आपकी, 65%। 14 डेज में आपकी स्ट्रेंथ कितना गेन करेगी, 90%। और 28 डेज में 99% अराउंड। क्लियर दोस्तों। अब यहां से आपको यह मालूम पड़ गया आपकी स्ट्रेंथ कंक्रीट कितना गेन करती है कितने दिन में। अब बात करते हैं, यदि सपोज कीजिए आप ये क्यूब पे निकालने वाले हैं, कंक्रीट क्यूब पे। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है 1 से 5 क्यूबिक मीटर तक आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी होती है, तो आप नंबर ऑफ सैंपल लेते हैं 1। क्लियर। जब भी आपकी क्वांटिटी रहती है 6 to 15, तो आप नंबर ऑफ सैंपल लेते हो 2। 16 to 30, 3 सैंपल लेते हो आप। 31 to 50, 4 सैंपल लेते हो। और 51 एंड अबव, 4+1 एडिशनल सैंपल लेते हो फॉर ईच एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर के लिए। तो आपको मालूम करना है, एक सैंपल पे आपको बताता हूँ कैसे मालूम करोगे आप इसे कितने दिन पे भी टेस्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आप इसे 1 डे पे टेस्ट करोगे तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी 16%। क्लियर दोस्तों। यदि आप इसे 3 डेज पे चेक करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो होगी कंक्रीट की वो हो जाएगी 40%। यदि आपने 7 डेज पे टेस्ट किया है तो इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 65%। क्लियर दोस्तों। यदि आपने 14 डे पे चेक किया है क्यूब को तो इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 90, यानी समझ लिए M15 ग्रेड है तो इसका आ जाएगा अराउंड 13 के आसपास न्यूटन पर mm² 14 डेज में। अगर आप 28 डेज में चेक कर रहे हो M15 ग्रेड को, तो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 15 न्यूटन पर mm². क्लियर दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद।